देखो बेटा, एक क्वेश्चन, एक पोटेंशियल दिया हुआ है आपको, माइनस सी एक्स वाई पोटेंशियल फील्ड, और आपसे पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास एम चार्ज क्यू प्लेस एट द पॉइंट 1,2। तो 1,2 पर कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, दोबारा लिख लेते हैं इसको। पोटेंशियल फील्ड दे रखा है आपको माइनस सी एक्स वाई, तो फाइंड आउट फील्ड इंटेंसिटी कर देते हैं, चार्ज फोर्स छोड़ो, फाइंड आउट फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 1,2। 1,2 पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो कैसे निकालना है आपको। ई वेक्टर इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप, डेल वी बाई डेल वाई जे कैप, ठीक है। अब डेल वी बाई डेल एक्स निकाल लो आप, डेल वी बाई डेल एक्स कैसे निकालोगे, एक्स के अलावा सब कांस्टेंट मान लेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स हो गया सी वाई आई कैप प्लस सी एक्स जे कैप। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपके पास, डेली वाई डेल एक्स क्या है, माइनस आ रहा है, खुद ही माइनस आ रहा है, दोनों माइनस आएंगे ना, क्योंकि भी आपका नेगेटिव दे रखा है, ये भी माइनस आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा सी वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। तो 1,2 डाल दो आप इसमें उठा के, इस तरह से यूज करते हैं बेटा इसको, ठीक है ना। 1,2 डाल दोगे कितना आ जाएगा आपका, 2i कैप प्लस जे कैप आ जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालना चाहिए, मैग्नीट्यूड निकालो, नहीं तो वेक्टर फॉर्म में इस तरह से फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। अब एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है इसमें, देखो आप इस तरह की, बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज चार्ज लार्ज पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय डी, ये पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट एग्जिस्ट, ये बहुत आती है बेटा। वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू प्लेट्स, ए पार्टिकल क्यू कॉमा एम इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू द प्लेट्स, ठीक है। तो फाइंड आउट प्रोजेक्शन स्पीड वी नॉट, फाइंड आउट प्रोजेक्शन स्पीड वी नॉट सो दैट द पार्टिकल स्ट्राइक्स एट डिस्टेंस एल एज शोन इन द फिगर। यहां पर वी नॉट से हॉरिजेंटली फेंक दिया, तो ये एल डिस्टेंस पे जाके स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। तो वी प्रोजेक्शन स्पीड वी नॉट निकालनी है, कैसे निकाली जाए इस वी नॉट को, सिंपल काइनेमेटिक का प्रॉब्लम आ गया बेटा। अभी दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं तो इसके बीच वी नॉट है, तो आपको नहीं भी लिखा हो तो ये बस फील्ड कांस्टेंट है इनके बीच, ठीक है ना। तो फील्ड कितना होगा इनके बीच, पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट है, बीच की डिस्टेंस डी है, तो वी इक्वल टू ई इन टू डी, यूनिफॉर्म फील्ड मान लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह की दो पैरेलल प्लेट्स के बीच यूनिफॉर्म फील्ड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वी नॉट इक्वल टू ई नॉट इन टू डी। तो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव आनेंगे, क्यू कॉमा एम लिखा हुआ है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। ग्रेविटी को भूल जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स वैसे भी नेग्लिजिबल होता है, और जी का कोई ऑप्शन दिखे उसमें तो फिर जी यूज कर लेंगे, ठीक है ना। जी कुछ नहीं दिख रहा है तो फिर आप एम जी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में इस पर कोई फोर्स नहीं है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ठीक है ना, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, जो फोर्स है वर्टिकल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लग रहा है। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जैसे प्रोजेक्टाइल होती है, वही आपकी वी नॉट हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वी नॉट कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा वी नॉट ही रहेगा। तो यह एल डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा इस डायरेक्शन में, अगर मैं अप्लाई कर दूं, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, पहले तो ये वी नॉट इक्वल टू इनटू फील्ड आ गया, देखो अलॉन्ग एक्स एक्सिस टाइम टाइम निकल जाएगा आपका एल बाई वी नॉट, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें, देखना ही इस एक्स डायरेक्शन में कोई भी फील्ड नहीं है, यार फील्ड वाई डायरेक्शन में,
वाई डायरेक्शन में आपकी डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक, डी वाई टू हाफ ए टी स्क्वायर, ये कितना है आपका क्यू ई वाई एन, यही है ना, ये कितना है क्यू ई अपॉन एम, क्योंकि वाई डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, क्यू ई इक्वस टू एम ए वाई, ए वाई कितना आ रहा है, ए वाई आ रहा है क्यू ई बाई एम आ रहा है, तो हाफ क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर, टी की जगह एल स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट कितना आ गया, अंडर रूट क्यू ई अपॉन एम डी इंटू एल आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोजेक्शन स्पीड इसकी ये रही होगी तब ये एल डिस्टेंस पर स्ट्राइक कर रहा है। एक बार एक्स में इक्वेशन, एक बार वाई में कर चुके हैं हम प्रोजेक्टाइल में ऐसे काम, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है वी नॉट अप वी नॉट इक्वल टू इन टू डी, यूनिफॉर्म फील्ड ऐसे निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस गिवेन हो तो, और फिर आपने टाइम निकाल लिया इस डायरेक्शन वर्टिकल वाई डायरेक्शन में, फिर इक्वेशन लगा दी। खुशी क्लियर है बेटा आपको, ये यहां से यहां तक वाई डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट चेंज कितना होगा, यहां पर डी वाई टू है। बोलिए बेटा दिक्कत तो नहीं किसी को, सुशांत समझ में आ रही है बात। हाँ तो इस यहां पर वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है डी वाई टू इक्वस टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो टाइम आपका निकल के आ जाएगा, टाइम की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ए वाई आपको क्लियर है, वी नॉट निकल के आ जाएगा, ठीक है।